अभी आपने सुना होगा कि उड़ीसा सरकार ने जो लिंगराज मंदिर है उसको 350 वर्ष पूर्व वाली जो संरचनात्मक स्थिति थी उसे प्रदान करने की घोषणा की है दोबारा, समझ रहे हैं? तो देखता हूं आखिर क्या इसमें बात की जा रही है। सबसे पहले हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि ये भी आपका महत्वपूर्ण रहते हैं। जब भी इस तरह के कोई चर्चा में रहता है तो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आपके बन जाते हैं। तो वैसे तो आप याद रखिए कि भारत के सभी क्रम में आप लोग राज्यों को याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट भी बन जाते हैं। ये है आपका उड़ीसा, क्या है? ये है उड़ीसा, दिख रहा है आपको? इसकी राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगी, और जिलों की बात करें तो 30 जिले देखने को मिलेंगे। राजभाषा यहाँ की उड़िया है। इसके गठन की बात करें यानी कि स्थापना की बात करें हम लोग, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान यानी कि अगस्त 2020 में, यहाँ की अगर मुख्यमंत्री साहब की बात करूं तो नवीन पटनायक साहब हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं, और विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 147 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 10 सीटें देखने को मिलेगी और लोकसभा में आपको 20 सीटें देखने को मिलेगी। कभी कभी इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं जब भी इस तरह के कोई चर्चा में रहता है राज्य, ठीक है? याद रखिए। चलते हैं वापस हम लोग आर्टिकल पर। हाल ही में आपने देखा कि उड़ीसा सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर को उसकी 350 वर्ष पूर्व वाली संरचनात्मक स्थिति प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। शिव को समर्पित एक मंदिर है लिंगराज मंदिर, शिव को समर्पित एक मंदिर है। वैसे आपको लिंगराज नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि किसके लिए मंदिर है, किसका मंदिर है। ये शिव को समर्पित मंदिर है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता को दर्शाता है एवं भुवनेश्वर में स्थापित परंपरा की मध्यकालीन चरणों की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व भी करता है। भुवनेश्वर को एकाब क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ के अनुसार लिंगराज का देवता मूल रूप से एक आम वृक्ष के से संबंधित है। किसके? आम वृक्ष से। और माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण की अगर बात करूं तो सोमवंशी राजवंश था, इसके राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे चलकर इसे गंग शासकों द्वारा भी और निर्माण कार्य कराए गए इसमें, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी नींव डाली गई सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा, और आगे चल के इसमें और कुछ निर्माण करवाया गया गंग शासकों द्वारा। इस मंदिर में विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं जो संभवतः गंग शासकों के समय जगन्नाथ संप्रदाय के विकास के क्रम को इंगित करती हैं, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, हो सकता है कि कब पहुंच पाया तो अभी ही कर लीजिए आप लोग। लिंगराज मंदिर की अगर वास्तुकला की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण देवल शैली में किया गया, जिसमें चार घटक आपके शामिल हैं: विमान, गर्भगृह युक्त संरचना, जगमोहन, असेंबली हॉल। आप समझ रहे हैं, गर्भगृह वही होता है जहां मूर्तियां रखी जाती हैं। देखते हैं आप लोग, जगमोहन असेंबली का मतलब जहां पूजा पाठ व्यक्ति खड़े हो सकते हैं अक्सर। नाटा मंडीरा फेस्टिवल हॉल, जहां कोई त्योहार होता है तब। देखते हैं आप लोग, भोग मंडप प्रसाद का हॉल ही आपका है। ये चार आपके घटक इसमें शामिल हैं। तो यह है आपका, पूछ ले अगर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, या कभी आपसे मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं मंदिरों पर, तो आप इन पॉइंटों को याद रखिए, ठीक है?